आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। काफी लोगों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन था, काफी लोग पूछ भी रहे थे कि इज ऑयल इंक्रीज पैन साइज, क्या लिंग का साइज तेल लगाने से बढ़ता है? तो इसका आंसर है हाँ बढ़ता है, पर इसके मैं मानता हूँ नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, वो मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो इस चैनल पर जो नए हैं मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर जो भी हम इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो साइंस बेस्ड होती है, रिसर्च बेस्ड होती है, अपनी बनाई हम बात नहीं करते हैं। तो इस चैनल पर जो भी हम बात लेके आएंगे वो लिटरेचर है, जो रिसर्च में छप चुकी है, वो ही बातें हम डिस्कस करते हैं। ऐसी बात नहीं करते कि ये ले लो वो ले लो, ये खाने से एक दिन में ठीक दो दिन में ठीक, तो ऐसा होने वाला है नहीं। तो सही साइंस का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तेल आप कोई भी लगाओ, चाहे ऑलिव ऑयल लगाओ, चाहे आप क्लोव ऑयल लगाओ जिसको लौंग का तेल बोल देते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल लगाओ, चाहे सरसों का तेल लगाओ, चाहे कोकोनट ऑयल लगाओ, नारियल का तेल लगाओ, तेल कोई भी मर्जी लगाओ, पेनिस का साइज या लिंग का साइज बढ़ना ही बढ़ना है। किसी भी हिस्से के ऊपर मांसपेशी के ऊपर मसाज करेंगे तो उसका साइज बढ़ता ही बढ़ता है। पर आप साइज बढ़ा लोगे, पर साइज बढ़ने के साथ है उसके अंदर ढीलापन भी आ जाएगा। अगर आपका पहले से ही लिंग में ढीलापन है तो लोग यहीं पे गलती करके सारी उम्र के लिए इसकी चपेट में आ जाते हैं और परमानेंट साइड इफेक्ट कर लेते हैं। मान लो किसी का पहले से ही साइज कम है, उसको जानकारी लेनी चाहिए कि किस बीमारी की वजह से साइज कम हो रहा है, उस बीमारी का इलाज कराए। तो साइज कम हो रहा था, साइज कम होने के साथ उनकी लिंग के अंदर ढीलापन भी आता है, पर कहीं से उन्होंने सुन ली, एडवर्टाइजमेंट देख ली, तेल लगा लो लिंग को बढ़ा लो, पर लिंग तो उनका बढ़ जाएगा, पर उससे जो पहले से छोटा था तब भी वो ढीला रहता था, अब लिंग का साइज उन्होंने बढ़ा दिया तो अब ढीलापन उनका और उससे ज्यादा बढ़ गया। फिर वो ढूंढेंगे ऐसी दवाई कि लिंग में तनाव आने वाला कोई तेल मिल जाए। तो तेल कोई मर्जी लगाओ आप, उससे लिंग का साइज तो बढ़ेगा पर साइज बढ़ने के साथ ढीलापन भी आ जाएगा। तो किसी के लिंग का अगर साइज छोटा है, और हमेशा जिनका साइज छोटा रहता है उनके लिंग के अंदर ढीलापन भी रहता है, तो साइज बढ़ने से तो ढीलापन और आने वाला है, तो आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको नुकसान मिलेगा। और उसके अंदर जितना ज्यादा लंबाई में जाएगा उतनी ज्यादा वो ढीला पड़ता जाएगा, तो आपको ये नहीं करना है। यही सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है यंग एज के जो लड़के हैं, उनको पता नहीं है कि अगर उनका छोटा लिंग है वो तब भी ढीला है तो बड़ा करेंगे तो उससे तो ढीलापन और आने वाला है। कोई भी लंबी चीज है वो ढीले ही पड़ जाती है अपने आप ही है, तो नॉर्मली आपको ही समझोगा। तो जितना इसका साइज बढ़ेगा उतना ये ढीला होता जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खास करके जिनका लिंग पहले से ही छोटा, उनके लिए परमानेंट साइड इफेक्ट है, चाहे तेल कोई भी होम्योपैथी का हो, चाहे आयुर्वेदा का हो, चाहे कहीं से भी हो, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि तेल के साथ आपको और क्या करना है। आप तेल लगा रहे हो, पहले से उसके अंदर ढीलापन था, ऊपर से छोटा भी था, साइज तो बढ़ा लिया पर साइज बढ़ने के साथ ढीलापन भी चार गुना बढ़ गया, तो फिर उसके लिए मेडिसिन खाओगे? अब क्या है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? जो कंडीशन है जिस बीमारी की वजह से लिंग का साइज छोटा हुआ है उसको फाइंड करना है हमने। जैसे कि जिनका अब्डोमिनल फैट रहता है, पेट जिनका बहुत ज्यादा बाहर निकला होता है, उनका लिंग वो अंदर चला जाता है, उनके लिंग का साइज छोटा हो जाता है। अब वो लिंग को कितना मर्जी कुछ कर ले, वो साइज बढ़ेगा भी तो उसको क्या फायदा होगा? तो अगर वो पेट की फैट को अकेला कम कर लेता है तो उसका लिंग कम से कम 1 से 3 सेंटीमीटर तक बाहर निकलाएगा, साइज इतना अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो तेल लगाकर पंगा लेने की क्या जरूरत है? जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे कि उनका जब सोए होते हैं जहाँ अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं, उससे पहले तो इरेक्शन पूरी होती है, पूरा साइज बनता है, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होती है, पर पास में जाती है उसके लिंग के अंदर ढीला बना जाता है। तो उनको भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको स्ट्रेस के ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो स्ट्रेस का इलाज नहीं, इरेक्शन तो साइज तो उनका पहले ही ठीक है, वो दिमाग में टेंशन लेने की वजह से स्ट्रेस से लिंग का साइज छोटा हो जाता है, लिंग रिलैक्स हो जाता है, तो इनको भी नहीं लगाना चाहिए। एक्सेसिव स्टिमुलेशन वाली चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। आप सारा दिन पॉर्न देखते रहते हो अपने आप को चेक करने के लिए कि मैंने तेल लगाया था, मैंने मेडिसिन ली थी, देखते हैं कि इरेक्शन होती है कि नहीं हुआ, कितनी स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होती है, ऐसे काम भी बिल्कुल नहीं करने हैं आपने। आपने परमानेंट ट्रीटमेंट लेना है जिसकी वजह से साइज है कम हो रहा है। साइज कम क्यों होगा? अगर आपको कोई बीमारी होगी, उस बीमारी का पता करना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए
जिनकी कमर दर्द होती है उनको ये साइड कमर की प्रॉब्लम रहती है, लिंग में ढीलापन रहता है, क्योंकि कमर से नसें निकलती हैं लिंग की तरफ, तो वो नसें ही अपना करंट पूरा नहीं पहुंचाएंगी तो लिंग में ढीलापन आ जाएगा। जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा रहता है, जिनको फैटी लीवर रहता है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके अंदर लिंग के अंदर ढीलापन रहता है, उन बीमारियों के इलाज की जरूरत है। तो लिंग का साइज तो आपका ठीक है, तो आप ऐसी बीमारियों ठीक करें, साइज अपना आप बढ़ जाएगा। अगर बढ़ा लेते हो, हाँ बढ़ता भी है, पर आपको सही ऑयल का कॉम्बिनेशन ही नहीं पता। आपने इतना ज्यादा उसने ऑयल से बढ़ा दिया, ऑयल तो बढ़ाएगी, अब वो परमानेंटली गीला हो गया है, फिर वो दोबारा तो कम साइज होने वाला है नहीं। ये आप समझ लीजिए कि जितना बढ़ गया है वो दोबारा साइज कम नहीं होगा, इसीलिए परमानेंट नापुंसकता या लोगों में गलत जानकारी होने से ये अपनी जगह सही है, बढ़ाता है, पर ऐसे इस्तेमाल ना करें आंख बंद करके। ऐसे बढ़ाकर ढीलापन आ गया तो दोबारा ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हो जाता है ठीक, पर बहुत ज्यादा मुश्किल कंडीशन में होता है। और जो तब होता है अगर बीमारी पकड़ में कि कौन सी बीमारी की वजह से साइज कम हुआ था, उसका इलाज साथ में करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी इसके अंदर और बातें हैं जो मेरी दूसरी वीडियो में मैंने बताई हैं, जो ऐसे लिंग के साइज के बारे में, अरेक्शन में है, प्रीमच्योर अरेक्शन है, डैवेश अरेक्टल डिस्फंक्शन है, ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं, और इसके बिना भी ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोज हैं कैंसर के ऊपर, पेट की बीमारियों के ऊपर, डायबिटीज है, जोड़ों के ऊपर, गठिया हुआ, फीमेल हेल्थ, मेल सेक्स हेल्थ है, ट्यूमर है, कैंसर है, वो भी आप ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोज देख सकते हैं। होप है आपको ये सारा समझ आ गई होगी साइंस मैंने क्या बताया। अगर फिर भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरे चैनल पर आकर आप वीडियो देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर रोज आप तक मेरी नई वीडियो पहुंचती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स, और तो आप कभी भी किसी भी समय ये बीमारी या कोई भी और बीमारियां मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्लिनिक पर टाइम ले सकते हैं।